ये समाज के अंदर सबसे बड़े जो दूषण है ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाने में सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि आपका प्रोडक्शन 50% कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने रिस्क नहीं लेते। तब बोलते हैं जितनी पद्धतियां हमने की है आप हर फार्मर के यहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है, तो आपको पहले दिन से ही आपका उत्पादन कम नहीं होने वाला है, ठीक है, तो वो अडॉप्ट करेंगे। दूसरी बात है पेस्टिसाइड और केमिकल के रेशियो तोड़ने की कहीं बात समाज में नहीं हो रही है। इस पद्धति से 100% टूट जाता है, ठीक है, हैवी मेटल्स जो है वो 100% निकल जाते हैं। तीसरी बात है नेगेटिव पैथोजेंस इन एन एनवायरमेंट, हर अच्छा एनवायरमेंट हो उसमें 85% ग्राम पॉजिटिव माइक्रोब होते हैं और 15% ग्राम नेगेटिव माइक्रोब होते हैं, ये कुदरत की रचना है, ठीक है। आप जैसे माइक्रोबियल स्टेटा चेंज करते हैं, जैसे इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी चेंज करते हो, वैसे ग्राम पॉजिटिव माइक्रोब आपके अपने आप ही 85% प्लस चले जाते हैं और उस सिस्टम का इम्यून स्ट्रेंथ अपने आप ही बन जाता है, उसकी रोग प्रतिकार शक्ति अपने आप ही बढ़ गई। मतलब पहले जीवाणु की बढ़ाई, फिर जमीन की बढ़ाई, फिर खुराक की बढ़ाई, जी ये तीनों सिक्वेंस में जब बैठेंगे तब अपने आप ही सिस्टम समाज का बदलेगा, ठीक है। शायद ये पद्धति हम करेंगे तो 5 साल के बाद या 1 साल के बाद भी एक भी बच्चा कुपोषित नया पैदा नहीं होगा। इतनी बड़ी बातें पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पर इस सिस्टम से आपने चालू किया, फाउंडेशन से गए तो आपको बिगड़ने की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि हर आदमी को आपने शुरुआत से ही अच्छा खाना देना चालू किया, सब्जी अच्छी देना चालू किया, तो अपने आप ही सिस्टम चेंज हो ही जाएगा उसका, ठीक है। और बच्चिया जो है जैसे लेडीज है, फीमेल है, उनको 10वीं 12वीं कक्षा से ही आपने बचपन से सुवर्ण प्राशन ये खिलाना चालू किया, ठीक है, तो अपने आप ही उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी बन जाएगी, सही, उसका माध्यम या उसका शरीर जो है अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। जैसे इनकी बेटी है इरेन जी की, हाँ, इनकी बेटी को 3-4 वर्ष है हमारे, इनको बेटी को अपना सर्दी जुकाम बुखार ऐसा कंटिन्यूस रहता था जी, ठीक है, हमने कुपोषण के लिए कुछ ड्रॉप्स बनाए, हाँ, ठीक है, उनकी बेटी को खिलाना है रोज, केला एक टीपा खिला लेता सर, सवार एक टीपा, 1 ड्रॉप पर डे वो ले रही है, ठीक है। अभी पिछले कितने समय से बीमार नहीं पड़ी है, अभी कब, पहले ऐसा होता था उसका जो डिलीवरी हुआ था ना उसमें ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि वो जो पानी गिरता है ना वाइट पानी, उसके बाद फिर डिलीवरी होना ही है 1-2 घंटे मैक्सिमम, तो हम लोग गए फिर डॉक्टर तो अपना सब चालू कर देगा ये वो करो ये करो वो करो, तो मैंने उसको 2 घंटे तक घुमाया, अच्छा, क्योंकि मैंने सब सुन रखा था कि ऐसा ऐसा भी होता है, ये ऑप्शन भी रहता है, यानी डॉक्टर लोग भी क्या करते वो भी सब सुन रखा है, हाँ, तो मैं वेट कर रहा था कि वो टाइम आए कि नॉर्मल हो जी, फिर मैं नीचे गया ऊपर गया इससे ऐसे 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 इसलिए उसकी पकड़ में आई नहीं, मैं डिसीजन लूँ तो वो ऑपरेशन करे ना, हाँ, फिर लेकिन फाइनली वो पल्स डाउन आना शुरू हो गया, तब वो भाग के आया कि भाई अभी वेट नहीं कर सकते आप, किससे बात करो मेरे को बात करो, तो मैं उससे समझा रहा हूँ, बोलो मैं किसी से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो अपना आप ही टाइम निकाल रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर वो मेरे को अंदर लेके और मीटर में दिखाया कि ऐसे ऐसे बच्चे का डाउन हो रहा है, हाँ। और वो वाइफ को एकदम कुछ पेन ही नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे वो तो लेटी हुई है बस मस्त, अच्छा, एकदम एक परसेंट का भी पेन नहीं है, तो फिर मैंने ऐसा सुना था कि पेन तो होना चाहिए, हाँ, तो भी प्रॉब्लम, तो फिर फाइनली मैंने 2-2.5 घंटे के बाद दे दिया कि ठीक है अभी ऑपरेशन कर दो, हाँ। तो फिर पता चला कि वो उसकी जो नाड़ है ना वो लिपट गई थी, उसकी वजह से वो कभी पल्स आ जाते थे कभी डाउन चले जाते, ऐसे फ्लक्चुएशन हो रहा था जी, और पेन क्यों नहीं हो रहा वो पता नहीं चला, हाँ। वो लोग आर एन डी करते नहीं है, हाँ। तो फिर ऑपरेशन हुआ और सब अच्छे से हो गया, फिर 1.5 साल तक वो कभी ऐसा एक दिन एक महीना नहीं था कि हम लोग 2 बार हॉस्पिटल नहीं गए, 1 महीने में 2-3 बार जाना ही जाना है, वो पीठों में कंडल गया था कि भाई छुट्टी पहले से सेट करके रखो भाई तो जाना ही है, तो ऐसे पूरा किया, फिर 1.5 साल के बाद पता चला कि होम्योपैथी करके कुछ होता है, पहले सुना था लेकिन सूरत में भी है ऐसा, तो फिर उसके पास गए, तो वहाँ से उतना हो गया कि वो महीने में 2 बार की जगह पे हम लोग 3 महीने में 1 बार से काम चल गया जाता था,
फिर पता चला, फिर मैं ये गाय का थोड़ा इधर उधर किया था, तो एक्चुअली गाय लाया था मैं बच्ची के लिए कि मतलब चलो अपना तो जो होना था हो गया, इसको तो पहले से देंगे दूध, तो उसके लिए मैं लाया था। तो फिर ये सब खेती का पता चला कि इसमें तो ये दूध छोड़ो, इसमें ये बहुत है ऐसा। तो फिर गाय लाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते है, तो वो सब लोगों से मिलना हुआ, तो पता चला कि इसमें तो ये पंजगव्य नहीं है, वो पूरा पंजगव्य चिकित्सा भी है, गाय का अलग से थेरेपी है नहीं है। तो फिर वो हमें फिर से हट के हम उसके बांध दिए। तो वहाँ से वो फिर ऐसा हुआ कि 6 महीने में एक बार वहाँ तक पहुँच गए, ऐसा 3.5-4 साल तक चला। फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक में थोड़ा इंटरेस्ट था तो उसमें काम किया, तो फिर कॉन्टेक्ट हुआ, तो फिर सुवर्ण राशन देना चालू किया। तो फिर अभी 1.5 साल से हम मैं नई एलोपैथी के पास गया हूँ, नई होम्योपैथी के पास गया हूँ, नहीं वो आयुर्वेदिक पास, बीच में आयुर्वेदिक के पास भी गया था, और नहीं तो अपना ये गाय वाला भी कुछ नहीं कर रहे। इतना है कि वो घर के बगल में ही है और उसको फालतू खाना नहीं खाने देते हम लोग, बहुत कम, दूसरे के कंपेरिजन में 10% ही, चलो कोई आया है तो फिर खिलाना पड़ेगा वो बात। तो अभी घर ही नहीं, और वो सर्दी बर्दी तो होता था, वो होम्योपैथी वाला भी वही बोलता था कि आपका ये जो सीजन हुआ है ना वो तो इसको लाइफ टाइम में प्रॉब्लम अप डाउन रहेगा ही, कम रहेगा ज्यादा रहेगा लेकिन रहेगा ही बोलेगी। तो मेरा सोल्यूशन क्या है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं, हाँ हम लोग बोले कि इम्यूनिटी बढ़ा के दे देंगे, तो उसने वो कर दिया, वो बढ़ा दिया। तो 6 महीने तक कुछ होता नहीं था, फिर एक बार चक्कर मार लो तो 4-5 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अभी का वही कंडीशन है कि अभी अगर सर्दी टाव हल्का सा हुआ भी ना, तो अभी के हमको वो सिम्टम्स पहचान आ गया है इसको होने वाला है कुछ, वो एकदम माइक्रो में होता है तभी से पता चल जाता है कि ऐसा कर रही है अभी, तो इसको ये थोड़ा दे दो। तो अभी हम लोग सर्दी टाव के लिए कुछ नहीं करते, वो सेंधा नमक के अपना पानी में डाल के 1 चम्मच उसको पिला देते कैसे भी करके, वो 2-3 घंटे में फिर गए, वो भी कभी कभी जरूरत पड़ता है ऐसा, वो सब अभी एकदम शांति हो गया। खाली जैसे सुवर्ण प्राशन दिया तो उसको एक बूंद डेली देते हैं तो अपने आप ही उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति है डेवलप हो गई। यस ठीक है। दूसरा एक ऐसा भी मिला कि अभी वो पांचवा साल चल रहा है उसको, तो अभी हम लोगों ने कभी उसको पहले बच्चा वर्ड अपना जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में 12 अक्षर ही सीखता है, फिर अपना लेटर सीखता है, तो हमने वो सिखाया उसको, लेकिन कभी हमने उसको वर्ड नहीं सिखाया कि ये तीन को कैसे जोड़ते हैं। पहले सिंपल हम लोग जैसे रमत, कोई उसमें काना मात्रा नहीं है वो वाला, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इसको पहले ये सिखाएंगे फिर ये सिखाएंगे फिर ये सिखाएंगे, तो वो पता नहीं एक दिन अपने आप लिख रही थी सब और अपने आप पढ़ रही थी पूरा वर्ड। फिर 2 ही दिन में उसने वो सब अपना काना मात्रा वाला सब ले लिया, और दूसरे 1 हफ्ते के बाद वो पूरा सेंटेंस पढ़ने लग गई। तो मेरे भाई को पूछा कि इसको किसने सिखाया, बोले हमारा तो नहीं सिखाया किसी ने, और फिर दूसरा में बोला कोई काका की लड़की बड़की ने कोई सिखा दिया होगा, नहीं कोई देखा ही नहीं अभी तो। वो पता नहीं हमको भी सरप्राइज था कि वो अपने आप ऐसे ही सीख गई, कोई मेहनत किया ही नहीं, तो फिर अभी पढ़ने भी लग गई। हमने कभी उसको पढ़ना सिखाया ही नहीं, अभी तक वो सिंगल वर्ड वाला ही चल रहा था। तो हम लोग फिर थोड़ा ब्रेक मार के चल रहे थे क्योंकि उसको जो सीखना था ना उससे वो कुछ ज्यादा ही सीख रही थी, तो इसलिए हम थोड़ा ब्रेक मार के चल रहे थे, तो हमने ब्रेक मार के उससे भी आगे चलेगी। फिर अभी उसको है ना अभी ऐसे जो अभी मेरे को थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो मैंने गांव की लड़की फ्रेंड है उसको बुलाता हूँ कि तुम 1-2 घंटा उसको करवा, हमको टाइम नहीं मिल रहा, तो वो उसको सिखा दिए यानी वो 1/2 घंटा बैठेगी, फिर बोला कि ठीक है अभी मैं टीचर हूँ आप मैं जैसा बोलूँगा वैसे करो। और दूसरा एक अपना जो न्यूट्रिशन का ड्रॉप्स है ना, तो वो मैंने मेरी बहन को दिया था, तो उसको ऐसा प्रॉब्लम था कि कभी वो बड़ा सोच नहीं पाती थी, यानी ऐसा डर लगेगा, अभी
जिसने लाख रुपया देखा ही नहीं, आप करोड़ की बात कर रहे हो तो मर जाएगा, या तो देखा ही नहीं हो इधर खोल लो बैग, ऐसा किस्सा हुआ भी है, हमारे गांव में भी हुआ है, तो सिर्फ देखने से मर जाते वो लोग, इतना कहां से आ गया, तो वैसा सोचने से वो डरती थी। तो और कुछ कुछ बातें ऐसी है कि भाई बताने से भी डरती थी। तो अभी उसका एक महीने पहले ही मेरा बात हुआ था कि ऐसे बात बात में हमको पता चल जाता है कि उसका थोड़ा कुछ लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ गया। तो फिर ऐसे ऐसी बातें करने लगी, मुझे तो कभी करती ही नहीं थी ऐसी बातें, तो कहाँ से आ गई ऐसे। तो बोला कि अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और ऐसा जो वो था ना वो डर निकल गया पूरा। तो फिर सर से बात किया तो पता चला कि उसमें जो माइक्रो नहीं थे वो गए, तो वो दो तीन महीना काम किया तो उसमें से वो सामने से दिख के आया, हमको पता नहीं था कि इससे होता है, तो उसमें वो चेंजेस देखा। विज्ञान के एंगल से करें तो विज्ञान ने वहां तक अभी पारित किया, अगर आप लता मंगेशकर हैं तो आपके शरीर में ये जीवाणु है तो ही आप लता मंगेशकर हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। आप वैज्ञानिक है तो आपके शरीर में ये है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तेंदुलकर है तो ये जीवाणु है तो आप तेंदुलकर है, नहीं हो सकते। मतलब इतने सूक्ष्म तक जीवाणु का रोल है, हमारा रोल बहुत कम है, अस्तित्व बहुत कम है, उन्हीं से हम दिख रहे हैं। और 96% बाय वॉल्यूम विज्ञान के हिसाब से हमारे शरीर में जीवाणु है, 96% लाखों अस्तित्व खाली चार टका, एक ट्रिलियन सेल हमारे शरीर में गिने जाते हैं और 10 ट्रिलियन हमारे शरीर में जीवाणु है, 10 गुना, एक शरीर में 50 लाख करोड़ जीवाणु एक शरीर में छे। आપણું 5 સ્ક્વેર ફીટ નું શરીર છે અને આકાશ તત્વ 1600 કિલોમીટર નું છે, જયારે વર્ષે છે ત્યારે બધાને લઈને વર્ષે છે, બારિશ જબ ગિરતા હે તો એ સબ લેકર ગિરતા હે, તબ જાકે અપની જૈવિકતા અપની જમીન માં આતી હે। અગર 2-3 સાલ બારિશ નહીં ગિરે ઓર ખાલી કુએ કે પાણી સે કરના તો જૈવિકતા નહીં આવે, જૈવિકતા નહીં આવે, પોસિબલ હી નહીં। દૂસરા વિજ્ઞાન કે હિસાબ સે અભી જો હાર્વર્ડ યાર MIT કે સાથ સ્ટડી યાર રિસર્ચ મે લગે હે, ઉસમે किसी का नेचुरल डिलीवरी होता है तो शरीर के थ्रू जो माइक्रोब्स आते हैं, पकड़ के करना पड़ेगा सर, पकड़ के करना पड़ेगा सर, वो स्प्रिंग टूट गया है सर, वो भी बंद कर दे हिरण भाई, दरवाजे बंद कर दे, बाहर कोई गिर गया बेचारे, पेलो 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 दरवाजा, हाँ हाँ तो नेचुरल डिलीवरी होती है तो बच्चे का शरीर योनि के थ्रू घिस के बाहर आता है, तो ऐसे जीवाणु उन्होंने फाइंड आउट किए कि ये योनि के थ्रू घिस के जो शरीर आता है जिसको स्क्रबिंग थ्रू वजाइनल कैनाल बोलते हैं, वो जीवाणु उसके लाइफ में कभी दूसरी बार फिर आते ही नहीं है, एक ही बार आते ही है। तो जिसको नेचुरल डिलीवरी हुई उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अद्भुत रहती है। इतना माटे शिव तंत्र में योनि की पूजा निवारता थी कि इसके अंदर इतने जीवाणु जो समाज को देने की व्यवस्था है, इतना माटे नहीं पूजा थी, आपड़े समझा नहीं ऐसे नहीं पूजा करे छे। और दूसरी बात, फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, अगर बर्थ के बाद एक ही सेकंड में तुरंत आप 1 मिनट में जो फीडिंग कराते हो उसके अंदर 600 किस्म के माइक्रोब्स उसके शरीर में आते हैं जो कभी वापिस नहीं आ पाते, वो ब्रेस्ट फीडिंग से ही आते हैं, तो उसकी रोग प्रतिकार शक्ति इतनी ज्यादा मिल जाती है जी। ये दोनों चीज से समाज अभी वंचित हो गया है, नेचुरल डिलीवरी भी खत्म हो गई और ब्रेस्ट फीडिंग भी खत्म हो गया, इसके कारण ये बड़े प्रॉब्लम्स वापिस चालू हो गए। तो हमारी ह्यूमन सिस्टम में भी ऐसी बायोडाइवर्सिटी हम क्रिएट करते जाएंगे, अच्छे माइक्रोब, अभी मैंने नया रिसर्च स्टार्ट किया है कि ह्यूमन बॉडी के माइक्रोब्स को मैपिंग करना, એટલે મારા શરીરમાં 1000 જાતના જીવાણુ છે અથવા હ્યુમન બોડીમાં અત્યાર સુધી વિજ્ઞાન શોધ્યા છે, તેનું તમે બ્લડનું સેમ્પલ આપો તો તમને 1000 જાતના કયા કયા છે કે એમાંથી, એટલે તમને ખબર પડે કે આમાંથી આ 100 નથી, એ 100 કેવી રીતે લાવવાનો, એના શરીરમાં તમે ઉમેરી આપો તો એની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ફોરેસ્ટ ઇકોલોજી બની ગઈ, બરાબર, દેટ ઇઝ અવર સિસ્ટમ વિલ વર્ક। એટલે એમાં પછી તમે સુવર્ણ પ્રાશનના ડ્રોપ્સ કો કે જે નામ આપો, you have to feed the right quality of nutrition and right quality of microbes which are missing in the system, to aapki human body ki system apne aap hi theek ho jayegi।
जो हम जमीन के लिए बात करें सेम चीज इधर लागू पड़ेगी। ठीक है, पहले हम ऑर्गेनिक के विषय में चल रहे थे, तो फर्स्ट विषय था अपना बेस्ट प्रोडक्शन कम होना, सेकंड विषय था पेस्टिसाइड केमिकल को तोड़ना। ये अभी जो सिस्टम बना है उसके अंदर एक साल में कैसा भी पेस्टिसाइड केमिकल रेसिड्यू नहीं होगा, आपकी जमीन से टूट जाएगा। और अच्छी लैब्स में कराएंगे तो 600 किस्म के बेयर मिनिमम आपकी जमीन से टूट जाएंगे। अपेडा के हिसाब से 118 के ऊपर टेस्ट नहीं करता है कोई, और यूनिवर्सिटी जो टेस्ट करती है आपको 15 से 30 किस्म के टेस्ट करके दे देती है और नीचे लिख देती है आप ऑर्गेनिक हो गए। आज 30 किस्म ना पेस्टिसाइड ना केमिकल ना थी, वह तुम्हारी जमीन जैविक थी गई, समझी क्या? बाहर वो देते हो तो नहीं हो पाता है। ठीक है, तीसरा हैवी मेटल्स हो गया, और चौथा नेगेटिव पैथोजेंस। नेगेटिव पैथोजेंस यानी ई कोला है, साल्मोनेला है, ऐसे नेगेटिव पैथोजेंस अगर जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देते हैं उन लोगों को आप बोलेंगे कि मेरे को गाय के गोबर से मेरे को खाद बनानी है, तो बोलेंगे आप फ्रेश गोबर कभी यूज नहीं कर सकते हो, सीधा ऐसा बोलते हैं। अच्छा। तो बोला क्यों ऐसा बोलते हैं आप भाई, तो फ्रेश गोबर में तो जैविकता है। हाँ। बाकी वो सूख गया उसके बाद तो जैविकता बढ़ जाएगी उसमें। ठीक है, उसकी उम्र है तो उससे ज्यादा वो जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कह रहे उसके अंदर ई कोलाई और साल्मोनेला है ना, वो 4-5 दिन आप रखते हो फिर बाहर मर जाते हैं। ठीक है, तो हर किस्म के गोबर के अंदर ई कोलाई और साल्मोनेला आता है, हर किस्म के, वो फाइनली आपकी जमीन के अंदर जाता है। जब आप गाय को शुद्ध करते हो तो ई कोलाई ये साल्मोनेला ऐसे नेगेटिव पैथोजन से वो एक भी रहता नहीं है। तब उसके अंदर सड़ने की बात नहीं आती है, तब वो गोबर गौमूत्र आप उपयोग कर सकते हो। तो अभी हमने क्या सोचा है, सब जगह तो ऐसा नहीं कर सकते हो, हर आदमी एक तो गाय लाने वाला नहीं है, हर आदमी ये प्रोसेस करने वाला नहीं है, तो कुछ माइक्रोबियल स्कैटा का आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। जी, जितने फार्मर्स कर सकते हो वो सबसे बढ़िया है, भाई आप गाय एक लगा दो और इससे काम हो जाएगा। ठीक है, और नहीं कर सकते तो ऐसा माइक्रोबियल स्कैटा आपको डेवलप करके कंसोर्शियम देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरी बात थी 18% कार्बन की अपनी डिस्कशन हो गई। ये जो जीवामृत बनता है उससे हमने 3-4 उपलब्धियां अभी तक की है, जिसके अंदर हम खारा पानी ये कहते हैं अपने चर्चा में, आपको बांबू फार्मिंग में या समाज के अंदर, क्योंकि क्लाइमेटिकली स्ट्रेस्ड जहां लोकेशन वहीं बेम्बू फार्मिंग करेंगे आप। जी, जहां कुछ नहीं होने वाला है वहां फिर वो भी नहीं होगा। हाँ, उस जगह पे सोचेंगे कि बांबू करना है, जैसे बांबू वासे डिस्कशन कर रहे थे वीडियो में। जी, कि भाई उधर पानी थोड़ा खारा है तो नहीं चलेगा, 2,000-2,500 टीडी है तो उसमें नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे काफी लोकेशन गुजरात में हो गए, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 50% लोकेशन ऐसे हो गए हैं जो समर के टाइम में 2,500-3,000 टीडीएस के ऊपर चले जाते, ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर से खेती करना मुश्किल हो जाता है। हाँ। ठीक है, तो ये जो जीवामृत के जीवाणु है, हाँ, उससे हम 45,000 टीडीएस का पानी यानी दरिया का पानी खेती लायक कन्वर्ट कर पाए हैं। अच्छा। हाँ, ये गाय के अंदर करिश्मा है, इसके गोबर गौमूत्र में जो जीवाणु पैदा है उसके अंदर है, तो नॉर्मल गाय के गोबर से आप करेंगे तो उसमें जीवाणु है ही नहीं, तो उसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। सही है। पर गाय को आपने ठीक किया, उसका जीवामृत आपने यूज किया, तो आप कैसा भी खारा पानी उसको ठीक कर पाते हो। बहुत बढ़िया। तो ये पानी की समस्या पूरे समाज में सबसे बड़ी आने वाली है, अगला वही समस्या है। ठीक है, तो अगर आप खारा पानी यूज कर सकते हो खेती में तो मेजर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी, ठीक है, तो यही गाय से, यही जीवामृत से, वर्ड वही जीवामृत ही रखा है, उससे आप ठीक कर पाएंगे पहली बात। ठीक है, जमीन खारी है उसको भी इससे ठीक कर पाएंगे। ये दोनों मेथड हमने डेवलप की है। ठीक है, तीसरी बात, जो केमिकल का ट्रीटेड वाटर यानी इंडस्ट्री का, अभी हम पाली के अंदर काफी समय से काम कर रहे हैं, उधर का इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसका जो वेस्ट वाटर है वो 10 करोड़ लीटर पानी डेली जमीन में डाल रहे हैं। हाँ। कितने सालों से, और पूरे पाली के अंदर करीब 150 टैंकर घूमती है पानी पिलाने के लिए। वो लोग 10 करोड़ लीटर पानी नीचे डालते हैं। ठीक है, अभी ये पानी खेत में यूज करने का ट्राई किया, पौधे सब जल जाते हैं। हाँ। हमने उसके ऊपर R&D करके ट्रायल्स करके भी दिया है कि भाई ये पानी आप हमको दे दीजिए, हम इसको 1-2 पैसा प्रति लीटर खर्चा आएगा, ये पानी को पूरा खेती लायक कन्वर्ट हो जाएगा। ओके।
ठीक है, तो ऐसे जैसे उसमें ट्राई किया, वैसे कोई भी पानी के अंदर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, पर कोई भी पानी अपना ठीक हो पाएगा। और सुएज का पानी है, उसको एक ग्लास में आप भरो, इतना गंदा है, देखने से भी गंदा है, स्मेल भी गंदी है, उसके अंदर इसका कंसोर्शियम बनाया है जीवामृत का, दो ड्रॉप डालो, 5 मिनट के बाद वो पानी पी सकते हो। गाय के अंदर कितना सत है समझने के लिए। कोई भी सुएज, अभी करीब 1 साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने अहमदाबाद में सर्वे किया था जी, और जितने सुएज के पानी है, 5-6 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है, सबका पानी उन्होंने स्टडी किया और फाइनली उन्होंने रिपोर्ट दिया कि एक भी पानी खेती लायक नहीं है। एक भी पानी, आज पूरा अहमदाबाद गटर के पानी से उगाई हुई सब्जी खा रहा है, पूरा सब जगह स्प्रिंकलर, दरवाजा क्लोज कर भाई, सॉरी। तो गाय के गोबर के थ्रू ये सुएज का जो पानी है, ये जो भी खाद बनाई अपनी, मेन काम है उसका बैक्टीरिया का ही, कौन से बैक्टीरिया कैसे पैदा करना वो विषय हम समझे जी, ठीक है, वो विश्लेषण अभी नहीं करे, पर वैसे भी बैक्टीरिया ढूंढे जो 1.5 लाख TDS तक काम करते हैं। अच्छा, 1.5 लाख TDS का पानी यानी 15% नमक है उसके अंदर, वो बैक्टीरिया का नाम है खाली बताने के लिए, डूना लैला करके बैक्टीरिया है, ये डेड सीमा था जे, एमा उस पानी के अंदर आप ये बैक्टीरिया से कैसा भी पेड़ पौधा उगा सकते, इतनी ताकत है बैक्टीरिया। हमने क्या चालू किया इनको, गोबर गाय को हमने दरिया का पानी पिलाना चालू किया। अच्छा, ठीक है, तो दरिया के पानी के अंदर जो जो अच्छे माइक्रोब्स है वो उसके शरीर में गए, उसके गोबर गौमूत्र थ्रू जमीन के अंदर आ गए, अपने जीवामृत में आ गए। यस यस यस। अभी तक जमीन के बैक्टीरिया जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, पर जो दरिया का बैक्टीरिया उससे 100 गुना ज्यादा खींचता है, वो हमने उसे पैदा किया, वो भी गाय के शरीर के थ्रू पैदा किया और उसको भी जमीन में साथ में डाला। तो जमीन के बैक्टीरिया और दरिया के बैक्टीरिया दोनों जमीन में साथ में काम करेंगे और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपका फास्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात है, काफी खिड़कियां खुल रही है। चीजें मिल रही है। हाँ। जी, दूसरी बात, हम एज लेमेन समझना नहीं चाहते कि से मेरा शरीर 100 किलो का है और मेरे को 4 रोटी की जरूरत है। हाँ। यानी मेरा जमीन 100 किलो का और उसको 4 रोटी की डेली जरूरत है। हाँ। अगर मैं 4 रोटी के बदले डेली 2 रोटी कम कर दूंगा तो मेरा वजन धीरे धीरे कम होगा, मतलब मेरे शरीर में जो जीवाणु है वो मेरे शरीर में जितना कार्बन मिलता है धीरे धीरे खा रहे हैं, धीरे धीरे खा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा शरीर धीरे धीरे पापड़ तोड़ पहलवान हो जाएगा। हाँ, ठीक है, धीरे धीरे सूजी गुड़ जाएगा। अगर मैं 1 महीने तक फास्टिंग करता हूँ तो 1 महीने तक जितना कार्बन मेरे शरीर में है वो जीवाणु खा जाएंगे, वो रिवर्स हो जाएगा और मेरा शरीर 10 किलो कम हो जाएगा। समझने के लिए थ्योरी है। ठीक है, यही प्रक्रिया हो रही है जमीन के अंदर, यही जमीन में, जमीन के अंदर आप खुराक नहीं डाल रहे हो। हाँ। जीवाणु खाली भरभर कर रहे हो, वो जीवाणु ने जितना कार्बन था वो खा लिया, खा लिया और 10 साल के अंदर पूरा खा ले। अभी आपको और खाना खिलाना है तो दूसरा खाना डालना पड़ेगा, खाना डालना पड़ेगा, जीवाणु जीवाणु बहुत हो गया, बहुत हो गया। और उसको मेंटेन करने, उसका शरीर उसी लेवल पे रखना है तो आपको 4 रोटी देनी है, रोज देनी पड़ेगी। कई लोग क्या बोलते हैं, हमने एक एक थैली यूरिया डाल दिया, अभी पूरी जिंदगी चलेगी, तो एक रोटी खा ले भाई, पूरी जिंदगी चला ले तू, ऐसा नहीं हो पाता है। yes. तो उसको जितना फिजिकल लॉज ऑफ नेचर के अंदर जितनी ऊर्जा चाहिए खाने के लिए, उतनी ऊर्जा तो देनी पड़ेगी कार्बन के स्वरूप में, वो हम नहीं दे पा रहे। उसके लिए 10 साल तक हमने मदर से डिलीवरी लेते रहे। हाँ। 1 माह से 10 डिलीवरी ले ली हमने। अभी भी सोच रहे 11वीं 12वीं डिलीवरी में खाली पहलवान पैदा होगा, वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, तो खाली पहलवान पैदा करना है तो वापिस उस माँ को खाना प्रेम से खिलाना पड़ेगा, तब जाके उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, तब तक संभावना ही नहीं है। ठीक बात, तो ये कार्बन के विषय में या खुराक के विषय में लोग नहीं समझना चाहते। कई लोग बोलते हैं कि हमने तो 1 लीटर दिया तो चल जाएगा, तो वो कॉमन सेंस है, इसका थियोरेटिकल कैलकुलेशन भी है। कभी आपको जितनी रोटी खानी उतनी रोटी जरूर पड़ेगी पड़ेगी, समझे,
आप ऐसा बोल दो मैंने एक एक लीटर जीवामृत डाल दिया, आप तो बोल रहे जीवामृत में बहुत सत है, सतह बराबर खाना है भैया, ऐसे ही समझ विज्ञान समझे बिना ऐसे करते रहो। मैं बाजरी का रोटा खाता हूँ, ब्रेड बटर खाता हूँ, अलग विषय हो गया, तो मेरे को खाना तो पड़ेगा, किलो कैलोरीज तो अंदर डालनी पड़ेगी, उसका तो कोई विकल्प नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसके बाद अभी एक्टिविटीज हम जो और कर रहे हैं, गाय के गोबर गौमूत्र से जो जो चीजें हुई, उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। पानी को शुद्ध करना एक समाज के लिए व्यवस्था इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हम कुछ विषय डिस्कस कर रहे हैं तो आगे जाके कौन से कब काम में आएंगे हमको पता नहीं, पर हम एलोबोरेटली मोटा मोटी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये विषय आगे जाके हम काम कर सकते हैं, ठीक है। खारा पानी आपके बेम्बू के अंदर या अदरवाइज समाज के लिए एकदम जरूरी होगा हर जगह, जैसे साहब ने बताया था उनके दाड़म में अभी 2,500-3,000 टीडीएस आ गया है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हम डेमोस्ट्रेट करेंगे तो उनको पहले अपने को पहले विश्वास आ जाएगा, सही। जैसे मैं इनको पहले बता रहा था तो उनके दिमाग में 18% होगा कि नहीं, वो नहीं बैठता। मैंने भी एक साल के बाद 18% की बात की, क्योंकि भाई अभी जीवामृत समझ आ गया, अभी गाय समझ आ गई, तो अभी आगे की बात करो, बातें करूं उसका तो कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंस जाने से मतलब नहीं है। अभी मैं टोटल बातें करता हूँ उसका शायद 5-10% उनको पता होगा, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे पकड़ते जाएंगे तब चीज और ऐड करते जाएंगे, पर अभी ऐसा हो गया कि कोई भी आएगा तो उनको डिटेल में समझा सकते हैं। समझो महेश भी गुजर गया तो कल इनको पता है कि महेश भी क्या भाषण करता था, उसमें भाषण कर सकते हैं, या कोई भी नॉर्मल लेवेन आता है फार्मर तो उनको समझा सकते हैं उनकी बात, क्योंकि प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन उन्होंने गाय के थ्रू कर लिया। गाय का गोबर में क्या है, गौमूत्र में क्या है, स्मेल नहीं आती, आती है, वो सब उनको पता है, ठीक है, डिटेल में ध्यान में आ गया। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में तीन किस्म का रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। एक तो आप जमीन में 2% कार्बन बढ़ा दो तो आपके मिनिमम 600 गुना पानी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। 2% कार्बन उधार होती है, अपने 18 बात करिए कितना पानी भरने की संभावना भर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट चीज होगी। दूसरी बात जो कर रहे अभी उनके नहीं हुई है, नेक्स्ट प्रक्रिया में लेंगे वो, जमीन के अंदर 10 फीट तक आप 50 लाख लीटर से 75 लाख लीटर पानी भर सकते हो। अभी लॉजिक समझने के लिए, आपके शरीर में 100 किलो का वजन है तो 72 लीटर पानी है। आप पुराना पानी डेली बाहर निकालते हो और नया डालते हो ऐसा नहीं करते हो, ठीक है, पर जो मलमूत्र से चला गया, पसीने से चला गया, वैसा 3-4 लीटर आपको पीना पड़ता है। एवरेज आदमी समर में कर शायद 4 लीटर पीएगा, विंटर में 2 लीटर पीएगा, तो एवरेज 3 लीटर पीता है और साल का 1,000 लीटर एक आदमी पी लेता है, ठीक है। बट पुराना 72 लीटर जो अंदर था, 72 लीटर, वो निकालता है और नया डालता है, ऐसा नहीं करता है। तो जमीन के अंदर भी परमात्मा ने यह संभावना रखी है, उसका विज्ञान देखेंगे तो 72% पानी भरने की उसके अंदर जगह रखी हुई है, जमीन के अंदर एज सॉइल मॉइस्चर। और कैलकुलेट करेंगे आप तो 1 हेक्टर के पीछे आप 50 लाख से 75 लाख लीटर पानी भर सकते हो, विच इज गुड इनफ फॉर फीडिंग फॉर 3 क्रॉप्स। परमात्मा की व्यवस्था समझिए, 3 क्रॉप के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी जमीन के अंदर भर के रखने की संभावना उसने पहले से रखी हुई है। हम समझ नहीं पाए, हम पानी ऊपर से दे रहे हैं, तो आपको जमीन के अंदर भर देना है, फिर पसीने से जो उड़ गया है, आच्छादन ऊपर बोलते हैं, वो ठीक बात है, बट पहले अंदर भर देना है, फिर आच्छादन कर देना है, फिर उड़ने की बात ही नहीं आएगी। तो आपको जो 5% लाना पड़ता है वो भी लेना नहीं पड़ेगा, वो भी लेना नहीं पड़ेगा, वो प्रेशर भी सेल बैलेंस इकोलॉजी बन जाएगा। और प्रैक्टिकली 100 किलो के शरीर में आपको 3 लीटर चाहिए, ज्यादा ज्यादा 5 लीटर भी हो तो 5% चाहिए आपको 100 किलो पे 5%। तो जमीन के अंदर आज लोग 1 करोड़ लीटर 1 एकड़ पे दे रहे हैं, सही। आप अच्छी ड्रिप करेंगे, ये फ्लड इरिगेशन के बाद अच्छी ड्रिप करेंगे तो ड्रिप का फॉर्मूला है 42 लाख लीटर पर एकड़ पर ईयर, अच्छी ड्रिप करेंगे तो, ठीक है। तो 100 लीटर लाने के बाद फिर 30-40% बचाने की बात कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको लाना ही नहीं है भाई, लाना ही नहीं आपको जमीन में पहले भर देना है, और भर दिया फिर ये पानी उड़ के जाने वाली जगह ही नहीं है,
और परमात्मा क्या करता है कि या तो 90% पानी देता है ड्यू ड्रॉप से, ओस से देता है, ठीक है, और बाकी तीनों सीजन में कम होता है उसके लिए उतना गिर जाता है ना, बारिश कर लेता है, ठीक है। तो जो मेकअप वाटर चाहिए वो अपने आप भर लेता है वो, ठीक है। हमको समझ नहीं आई उसकी इक्वेशन या इंटेलिजेंस, तो हमने पानी पिरोसना चालू किया। तो पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस ढंग से करना है, ठीक है। तो इसकी मेथड हमने बनाई हुई है कि जमीन के अंदर एक साल से लेकर तीन साल के अंदर 10 फीट तक आप 75 लाख लीटर पानी भर सकते हो। तो तीसरे साल ऐसा समझो, बहुत अच्छी जमीन आपकी जैविक है तो आपकी जमीन में एक साल में भर देंगे, जैसे इनकी जमीन है एक साल में पानी भर सकते हो। और किसी की जमीन है कि भाई एकदम बंजर है या केमिकल ही डाल डाल किया है 50 साल से, तो उसकी जमीन को ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेंगे। और 3 साल के बाद ऐसी पोजीशन आपकी जो 1 करोड़ लीटर लाते थे उसके बदले 5 लाख लीटर लाना है, और 5 लाख लीटर में भी वो गिर जाता है तो आपका काम पूरा, वो भी काम जरूरत नहीं रहेगी, वो भी जरूरत नहीं रहेगी। ये सब्जेक्ट को स्ट्रेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट फॉर प्लांट्स जर्मनी में भी बोला जाता है। इनका विषय है कि जितने आदमी को स्ट्रेस होता है उससे ज्यादा स्ट्रेस पौधों को है, ठीक है। ये स्ट्रेस मतलब आपके बैंक बैलेंस में 100 करोड़ पड़ा है, आप सुबह चाय पीने उठेंगे तो एकदम फ्रेश रहेंगे आप, यस, पर आपके 1 लाख रुपए का चेक दिया 5,000 भी बैलेंस नहीं है तो सुबह खाली चाय भी अंदर नहीं जाएगी, इतने टेंशन में याद ही नहीं आएगी अंदर जाना तो दूर की बात है। तो पौधे इतने टेंशन में, पर अगर आपने उसका बैंक बैलेंस 100 करोड़ से भर दिया है, यस, ठीक है, तब जाके वो अपने डीएनए स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रेम से खिलेगा। उनकी स्टडी है अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सही किया तो 50% प्रोडक्शन सीधा बढ़ता है, 50%। 100 किलो आप केला लाते हो सीधा 150 किलो अपने आप ही सीधा ही, ठीक है, इफ यू डू राइट मेथड ऑफ डूइंग इट। अभी पहले और अभी के समाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्याख्या थोड़ी बदल गई। लोग ऐसे समझते हैं कि मैंने कुआ को रिचार्ज कर दिया, हाँ, बोरिंग में कुएं में डाल दिया, तो अगर आप कुएं में नहीं डालते और बारिश बहुत गिरा तो क्या होगा, नीचे जाएगा ही, कहाँ बह के नाली नदी से कहीं भी नीचे जाना है। पहली परमात्मा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता ही है, हाँ। आपको संतोष हुआ मैंने मेरे कुएं में डाला, ठीक है, बट वो प्रक्रिया तो करता ही है। बट ये प्रोसेस में आपको पता नहीं है कि आप पानी कहाँ डाल रहे हो, आपने कुएं में डाल दिया पर नीचे वो पानी कहाँ गया आपको पता नहीं, पता वो पानी कहीं दरिया में मिल गया, ओशन में मिल गया, आपको पता नहीं है। तो जब आपको समर के अंदर चाहिए तब वो पानी आपको उपलब्ध नहीं होता है, नहीं वो तो कहीं और गहरे में निकल गया। तो तीसरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक ऐसी करती है कि आपकी जमीन का 1,000 फुट तक का एक्सरे निकालते हैं और एक्सरे में देखते हैं कि उसके अंदर तिजोरी कहाँ कहाँ पड़ी है, ठीक है, अब बात कर लीजिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि आपके 3 साल के अंदर पानी भर गया जमीन, चौथे साल आपके पास पानी अभी डाले कहाँ, पानी तो भरा हुआ है अंदर, अभी डालने की आपके पास जगह ही नहीं है, इस पानी का शॉर्टेज पूरा हो गया। तो जिस स्ट्रेटा 1,000 फुट तक एक्सरे निकाला उसके अंदर जहां भी हमको तिजोरी मिली उस तिजोरी में बारिश का पानी नीचे उतार देते हैं, और वहां पे आपको कैमरा के साथ पाइपिंग दे सकते हैं तो आपके अंदर टंकी के अंदर कितना पानी करोड़ लीटर पड़ा है वो दिखेगा। तो जब भी आपको पानी की शॉर्टेज आए, सर पानी की शॉर्टेज आने वाली नहीं है, पर भूगर्भ अपने आप भर जाएगा, और जब भी चाहिए तो आप उस लोकेशन से आपका बोर कर सकते हो, यस, ठीक है, एक समस्या होगी। दूसरी समस्या होगी कि पानी अभी 3 साल आपके नहीं हुए, पानी भरा नहीं है, पर एक दिन के अंदर 100 इंच गिर गया बारिश, अभी ऐसा होता है भाई क्लाउड फट गए, क्लाउड बस्टिंग हुआ, तो उस समय पे क्या करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपने डिजाइन करके रखा है तो ये स्ट्रक्चर में एक बूंद पानी बाहर भी जाएगा जमीन के अंदर, वो टंकी जो है नीचे उसमें उतर जाएगा, यस, ठीक है। तो जितना पानी वेस्ट जाएगा वो सीधे सीधा नीचे उतर जाएगा। तो एक्सेस वाटर गिरा तो भी आपको काम में आ गया, और बारिश नहीं गिरा तो भी आपका काम, तो भी काम में आ गया। और खेती में सबसे बड़े दो ही प्रॉब्लम है, या तो एक्सेस वाटर या तो नो वाटर,
ये दो पानी के कारण आदमी फार्मर परेशान है बहुत ज्यादा, ठीक है, और ये दोनों का इस टेक्निक से आप सॉल्यूशन कर लेते हो तो अपने आप ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। दूसरा, पहले पानी की ऐसी बात थी कि पानी ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है ना, पानी नीचे भरना है। अभी क्या होगा, मेरी 10 फीट की जमीन है उसके अंदर जीवाणु भी नहीं है, 108 तत्व भी नहीं है, 6000 कंपाउंड भी नहीं है और बैक्टीरिया भी नहीं है, ठीक है, सब चीज नहीं है और कार्बन भी नहीं है। तो आपको पानी के साथ ये पांचों चीज की पूर्ति करनी पड़ेगी। खाली पानी डाल करोगे उससे नहीं होगा, इकोसिस्टम कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले क्या था कि पानी की शॉर्टेज थी, बाकी सब था, ठीक है, अभी सब चीज चली गई। आपने डिलीवरी लेते लेते सब चीज निकाल दी, सब ही निचोड़ ही लिया, निचोड़ ही लिया। तो अभी बारिश के पानी के साथ ये सब चीज आपको साथ में पिरोसना पड़ेगा। और ये जैविक ऊर्जा आपकी जो होगी, अब इसके मेजरमेंट आते हैं कि आपकी जमीन की फ्रीक्वेंसी कैसी हो मेजर होता है, जमीन की ऑरा कितनी मेजरमेंट होता है, जमीन की हम जो केमिस्ट्री जो चेक करते वाला विषय हो गया, पर जमीन की एनर्जी लेवल और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज की भी मेजरमेंट होती है। आपके जैसे जैसे जैविकता बढ़ती जाएगी वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी, वो दोनों आपको मेजरमेंट करके पता लगती है। ये सब मापदंड आज के दिन में मिलते हैं। पहले आध्यात्मिक बातें थी, लोग जो पुराने बुजुर्ग लोग थे वो मिट्टी हाथ में लेते थे, बोलते थे ये मिट्टी अच्छी है, मिट्टी अच्छी है तो उनको पता लगती इसकी ऊर्जा अच्छी है, वो ऐसे सूंघ के समझ सकते थे, ठीक है। बट अभी ये मापदंड मिलते हैं तो आप मेजरमेंट करके दे सकते हो समाज को, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सब चीजें साथ में ऐड करनी है, ठीक है। इसके साथ दूसरा विषय हम जो भी कर रहे हैं, ये चिप वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मैं पहले चिप नहीं बात करता था, बायोसैनिटाइजर, ठीक है। ये आइडिया भाई ने हमारे पास ही आया, मैं चर्चा नहीं करी अपनी आई तो पंच महाभूत हमारा जो है उसमें 72% पानी, 12% पृथ्वी तत्व, हम जिस स्थिति में बैठे हैं वो आकाश तत्व है, ठीक है, कुर्सी पर बैठा जाए ना आकाश तत्व ना कारण बैठा जाए जी। अने हमारे पास एज ह्यूमन बींग सत्ता कितनी है अंदर खाना डालने की, और हमारे पास कोई सत्ता नहीं है। बॉडी पानी का बैलेंस वो कर लेते हैं, 1-2 लीटर ही हम डाल सकते, बाकी 72 तो उसने भरा हुआ है, भरा हुआ है, वो सिस्टम वो खुद मैनेज करता है। 12% पृथ्वी तत्व हमारा हो गया और सेट कर दिया उसने, एडवांस सब बना दिया उसने, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए 4% अग्नि तत्व हमारी सत्ता में है, ठीक है, और जितना अग्नि तत्व आप प्लस माइनस करते हैं उससे आपसे वायु तत्व शरीर में पैदा होता है, ओके। अभी 4% अग्नि तत्व है और 72% पानी है। हम 4% अग्नि तत्व है यानी ऑर्गेनिक खाने की बातें कर रहे हैं, पर 72% जो मेन आइटम है उसकी तो कोई बात ही नहीं होता है। मतलब आपने पूरी दुनिया भर का खाना अच्छा खा लिया और एक घूंट गटर का पानी पी लिया ऊपर, ऐसा काम कर लिया हमने, तो बाकी सब चीज अपने डिस्टर्ब कर लिया, ठीक है। अभी बारिश का पानी है, लाइव है, जिंदा पानी है, यानी जैविक या जिंदा गिन सकते हो, ठीक है। उसके पूरे मेजरमेंट सभी समाज में मिलते हैं कि पानी की ऊर्जा कितनी है, पानी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, पानी का ऑरा कितना है, पानी का लैटिस स्ट्रक्चर कितना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब अभी मेजरमेंट होता है जी। बाबा एटॉमिक काफी काम करती है इसमें, ठीक है। जैसे पानी के बूंद जब बनता है तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, अपने जैसे बिजली कही है, तो उस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं मॉलिक्यूल, तब जाके H2O बनता है, ठीक है। मतलब 3000 डिग्री तापमान चाहिए तब जाके ये पानी का मॉलिक्यूल बनता है, यस, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इतनी ऊर्जा परमात्मा ने क्रिएट की है कि जब इस मॉलिक्यूल को आप तोड़ोगे उससे 100 गुना ऊर्जा बाहर निकलती है, समझे, उसके अंदर इनहेरेंट इतनी ऊर्जा भरी हुई है। यस, बनाने के टाइम 3000 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत थी, ओके। अब ये मॉलिक्यूल को जब कोई भी तोड़ेगा तो उसके अंदर ऊर्जा बहुत रिलीज होने वाली है, ठीक है। इसके हिसाब से दरिया का पानी की बात कर रहा हूं कि उससे ऊर्जा बहुत भरी हुई है अंदर, ओके। अभी ये मॉलिक्यूल जब बनता है तो 2 मॉलिक्यूल पानी के है, आईश्वर
पानी को जीवंत बनाना एक बड़ा विषय बनेगा, पानी को शुद्ध करना एक विषय हो गया, खारा पानी को अभी तक मिट्टी को जीवंत करने पर ही बात कर रहा था। पहला लेक्चर मुझे समझ में आना चालू हुआ है कि एक चीज अपडेट है कि पानी को भी जीवंत चाहिए चाहिए। यस, खेती के लिए पानी जैसे बारिश में गिरता है तो जीवंत पानी गिरता है, जीवंत पानी गिरता और नेचुरल फार्मिंग होती थी उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो खुराक के अंदर, वो आप कितना भी ऑर्गेनिक करके साफ नहीं होगा, बिकॉज वो पानी में ही सत इतना भरा हुआ है जिसके अंदर पूरा न्यूट्रिशन परमात्मा अपने आप पिरोसता है जी। हम एज आदमी वो पिरोस नहीं सकते, नहीं कर सकते, हम उसकी सरखामणी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पानी को जीवंत बनाना एक बड़ा विषय आगे जाके होना है, ठीक है। हमारे घर पे जैसे इनके घर पे भी है तो ये हमने घर पे आरो प्लांट निकाल दिए है। अच्छा, हाँ, आरो प्लांट के बदले में मटके के अंदर हमने चिप डाल दी है। ये जो प्लास्टिक डिब्बी में चिप है, हाँ चिप है, ओके। इसके अंदर गोबर का रोल है, हाँ, और प्लांट का रोल है, मेडिसिनल प्लांट्स का, ठीक है। कार्बन जो है उसको गोबर से मिला है, यस, इसमें ओके। कार्बन के अंदर ऊर्जा खींचने की ताकत है, जैसे ब्लैक होल गिनेंगे तो ब्लैक होल में पूरी सृष्टि की एनर्जी खींचने की ताकत है, इवन लाइट को खींच लेता है। यस, तो जितनी नेगेटिविटी पानी के अंदर होगी स्ट्रक्चरिंग चेंज करने में, वो कार्बन का काम, ये गोबर का काम करता है जी। जो कार्बन हमने गोबर से डिराइव करा है वो, और मेडिसिनल प्लांट जो इसके अंदर साथ में है वो ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी उसको ज्यादा देता है जी। मींस एक विज्ञान है इसके पीछे समझने के लिए, पर फाइनली पानी को क्या बोलते हैं, लाइव पानी बनाने का काम करता है, जीवन पानी बनाने का काम करता है, ठीक है। तो हमने पहला, आदमी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लाइव पानी पीना चाहिए, तो आपका जो पीएच है बॉडी का वो अपने आप ही अच्छा होना चालू हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल केस में आपका पीएच चेक करेंगे तो 7.4 बॉडी का पीएच होगा, और आपका खाना शुद्ध होगा और पानी शुद्ध होगा तो आपका यूरिन का पीएच नियर टू 7 आ जाएगा, ठीक है। और पानी और खाना दोनों खराब है तो आपका 6.5 से नीचे चला जाएगा, और जो कैंसर वाले वो सबको 6 के नीचे है। अच्छा, ठीक है। तो ये दोनों माध्यम आप ठीक करेंगे, ऐसा नहीं कि खाली पानी अच्छा डाला और कचरा में खाता रहा तो काम हो जाएगा, ऐसा जरूर नहीं, दोनों आपको ठीक रखने पड़ेंगे, ठीक है। पर दोनों आप ठीक रखेंगे तो आपका पीएच जो है 7 के आसपास आ जाएगा, और उसके साथ खाना भी आपने सही ढंग से कंट्रोल किया तो अगर आपके बॉडी का ब्लड का पीएच 7.4 है और यूरिन का पीएच आप 7.4 लेके आते हो, और आपके अपना सलाइवा, मुंह का जो लाल ये है, वो सलाइवा का भी पीएच 7.4 लाते हो, तो आपके बॉडी में रोग आने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो पानी का ये रोल रहेगा कि आपका पीएच बदलने में काम करेगा, आपको 2-3 महीने के बाद ऐसा पता लगेगा कि आपकी ऊर्जा की लेवल काफी बदल गई, ठीक है। जैसे इनको उनका खुद का एग्जांपल पूछेंगे, भाई तुम पहला केलू थाकी जाता था ना, वे सु कंडीशन है, जस्ट क्या मत एक सेंटेंस को लिख ला तुम ने पहले। हम लोग ये सब ऑर्गेनिक और गाय के चक्कर में 2 या 3 लोग साथ में निकल दो और हर 2 घंटे में ड्राइवर चेंज होता था, अभी जैसे कहीं पे भी जाएंगे तो 2-3 घंटे में चेंज होना ही है, उसको नींद आएगा तो उसको पेन होगा, ये होगा वो होगा। अभी मैं लास्ट मैक्सिमम 13 घंटा ड्राइविंग किया हूँ अकेला। अच्छा, गाड़ी में अकेला हूँ और कंटिन्यूस चलाता ही रहा हूँ, बीच में पंचर वाटर 15 मिनट रुका था। अच्छा, और ये 6-7 घंटे वाला तो अभी नॉर्मल हो गया। सुबह निकला कितने बजे, 4:20 के करीब निकला। अच्छा, तो हाईवे पे थोड़ा वो टॉयलेट अपना इसके लिए रुका, बाकी सीधा इधर ही है। मेरा खुद का एक अभी प्रैक्टिकल है, मेरे भैया को भी नड़िया एडमिट किया था, मामा जी के लड़के को, उनकी किडनी डिस्टर्ब थी तो वो ब्लड को रिसाइकल करते हैं, मतलब बाहर निकाल कर फिल्टर करके वापस डालते हैं, तो डायग्नोसिस करते हैं। बड़वानी में एक फिल्टर आया है जो मैंने भी देखा है, जो बाहर से इम्पोर्ट है, पेटेंट है,
2.5 लाख रुपए का फिल्टर है जो पानी का पीएच बढ़ाता है उसको अल्कलाइन वाटर बोलते हैं। हाँ, अल्कलाइन वाटर, कंगन वाटर। और वो बड़वानी में 100 रुपए लीटर पानी मिल रहा है। और मैं खुद मेरे भैया के लिए किडनी डिस्टर्ब ना हो इसके लिए काफी समय से 100 रुपए लीटर पानी ले रहा हूँ, मतलब लगभग 20 दिन हो चुके हैं। और हम यहाँ अभी नडियाद में जब हॉस्पिटल में आए तो कुछ 25 बोतल लेकर आए साथ में कि यहाँ कुछ दिन रुकना पड़ेगा। मतलब ये कंडीशन, इस चीज से तो मैं फेस हो ही रहा हूँ, जो आप बतला रहे हो वो एकदम रियलिटी है। और उससे जब हमने वो पानी का सेवन किया तो वो पानी गलत नहीं है, पानी अच्छा है, इसीलिए हम 100 रुपए भी देने के लिए तैयार है कि 100 रुपए लीटर भी हम पानी का पैसा दे रहे हैं। जी जी जी। उससे उनकी एनर्जी लेवल जो बढ़ना और उनकी फ्रीक्वेंसी अच्छा होगा, बॉडी और सारा कुछ फील होने लगा कि नहीं इनको अभी यही पानी पिलाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक बात है जी। तो पानी की जैसे ऊर्जा बढ़ती है, पीएच बदलती है, अपने आप ही चीज ठीक। हर एक आदमी को पानी पीने के लिए चेंज करना पड़ेगा जी। सिमिलर वे हम पीने का पानी गायों के लिए भी चेंज कर रहे हैं, ऐसी सेम चिप्स। अच्छा, कि गायों को जो पानी पिलाते हैं वो आपको चेंज करना है। अपने चाहो फिर ये मतलब जस्ट जो पानी ले रहे हैं उसके मटके में रहेगा ये, ऐसा क्या? खाली मटके में डाल देना बस। ओके। और डेली 1 घंटा सोलर सनलाइट चार्जिंग में रखना है इसको। अच्छा, 1 घंटा सनलाइट चार्जिंग, 24 घंटे पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा 1 घंटा मटके में रहेगा, 1 घंटा खाली सनलाइट में रहेगा, सूरज दिशा में। और सनलाइट पूरा नहीं हो तो डे लाइट में रख दो। ओके, चार्ज के लिए, चार्जिंग के लिए। तो सेम क्वालिटी ऑफ वाटर वी आर वर्किंग फॉर एनिमल्स, जैसे इनके अभी ये दिया है तो गायों को जो पानी पिलाते हैं वो पानी अभी लाइव वाटर गायों को पिलाएंगे, जीवंत पानी, जीवंत पानी गायों को पिलाएंगे। गायों को जीवंत पानी पिलाने से, बिकॉज पानी जो गायों में डिजीज है वो 90% डिजीज वाटरबॉर्न डिजीज है गायों में, तो ये पानी उनको जाना चालू हो जाएगा तो गायों को बीमारी का लेवल ही खत्म हो जाएगा। यस। गोबर गौमूत्र अपने को, दूध अच्छी क्वालिटी का अपने आप चालू हो जाएगा। सही है। तो जो जीवामृत बन रहे थे उसमें और ऊर्जा होती है और ऐड हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा प्रोसेस जो है, जब भी जीवंत पानी ये आपके यहाँ जैसे पानी ठीक करेंगे तो उस पानी को साथ में जहां जहां संभावना थी उस पानी को भी हम जीवंत करेंगे खेती के द्वारा। एक होगा खेती में खारे पानी को खेती लायक करना, और दूसरा उस पानी को फिर जीवंत करना। बहुत हाई टीडीएस का पानी हुआ तो उसको जीवंत करने में बहुत पैसा लगता है, शायद फार्मर को नहीं, हो सकता है सब, बट ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो आप ऐसा समझिए कि आपका 90% पानी का कंजम्पशन खत्म हो जाएगा ओनली बाय यूजिंग लाइव वाटर। तो ये आगे जाके एक से अपने खेत पे, मेरे पास अभी जितना सलाइन वाटर का ट्रीटमेंट या लाइव वाटर का ट्रीटमेंट का जो अभी तक हम इक्वेशन बना पाए वो 3 लाख लीटर पर डे से छोटा नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, बिकॉज उससे छोटा करता हूँ तो कैपिटल कॉस्ट वही आती है। तो बेयर मिनिमम 3 लाख लीटर पर डे, 3 लाख लीटर मतलब 20 एकड़ की खेती बेयर मिनिमम हो गई आपकी। 20 एकड़ की खेती हो तो 3 लाख लीटर का आप काम कर सकते हो। और पैसे का जो कन्वर्जन है, 1 से 2 पैसा प्रति लीटर खर्चा आएगा रनिंग कॉस्ट। हाँ हाँ। और कैपिटल कॉस्ट ऑन स्पैन ऑफ 5 इयर्स। हाँ। कि भाई रोज हूँ 1 लाख लीटर करूँ छू तो 5 वर्ष माटे 8 लाख करोड़ लीटर थयो, एना पर हूँ कैपिटल कॉस्ट करीश तो 1 पैसा थी 2 पैसा लीटर थी वधारे नहीं आवे। हाँ। टोटल में अभी जितने आरओ प्लांट अपने 20 रुपए लीटर का पानी पी रहे हैं। हाँ। अभी 100 रुपए की बात नहीं, 3 रुपए पी रहा हूँ मैं, मेरे भैया को पिला रहा हूँ, तो मतलब 1 पैसा 2 पैसा की बड़ी बात पड़ रहा है नहीं है, ठीक है। और दूसरा प्लस पॉइंट होगा, एक जो इनके पानी में क्षार है। हाँ। से इनका 3000 TDS का पानी है फॉर एग्जाम्पल जी, तो ये क्षार जो है वो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी पौधा को खुराक न्यूट्रिशन के लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा, रहेगा लेकिन न्यूट्रिशन बनकर, न्यूट्रिशन बनकर रह जाएगा। कैल्शियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी थी, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम उसको खुराक के लिए चला गया, तो उनको जितना फर्टिलाइजर की जरूरत थी उसमें 25-30% कमी हो जाएगी, और उनको पेस्ट अटैक जो आता था वो 25-30% अपने आप ही कम हो जाएगा। और पानी का कंजम्पशन है लाइव जब होगा तब आपका और कम होने वाला है। तो फिर आगे एक स्टेप आ जाए ऐसा आएगा कि अभी आप जो पानी का कंजम्पशन उसी के अंदर आप 1.5 या 2 एकड़ में हम चले जाएंगे।
ठीक है, बट कॉस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड कॉस्ट फॉर पेस्टिसाइड्स, इन दोनों आपकी 30% अपने आप ही कम हो जाएगी बाय फीडिंग दिस। तो एक बार के लिए कैपिटल कॉस्ट लगेगी, तो पहले 2 पैसा लीटर पे आया, 1 पैसा लीटर पे लगा, पर 1 पैसा 2 पैसा हम 20 रुपए के लीटर की बोतल पीते उसके साथ में बहुत कम है। और पहली दफा फार्मर को इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसके लिए बहुत कम फार्मर्स इस लेवल में जाने का विचार करते हैं। किसी को बोलो भाई 3 लाख 2 लाख नो खर्चो तो आदमी डरता है कि भाई मैं करूंगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये लाइव ऑनिंग वाली बात हमसे भी कंफर्टेबली आगे बहुत जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो विषय था अपना बायो सीएनजी का, जिसके ऊपर आपके साथ आज मेन डिस्कशन था अपना।